स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। और इस डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल में हमारा प्राइम फोकस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ, जिसे हम ईएम रेडिएशन भी कहते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डाल देंगे आप मेरे साथ, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। ये डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल से बोहर एटॉमिक मॉडल के एस्टैब्लिशमेंट में काफी मदद मिली। और इस डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल आखिर है क्या? इसमें एक्चुअल में ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पे फोकस किया गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। टू डेवलपमेंट्स प्ले अ मेजर रोल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल। ओके, और वो दो नए डेवलपमेंट्स थे क्या? वो जो दो डेवलपमेंट थे जिन्होंने बोहर मॉडल के एस्टैब्लिशमेंट में मेजर रोल प्ले किया, तो उसमें पहला है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दो डेवलपमेंट्स थे लीडिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। इन दोनों टॉपिक को अपने को देखना है। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है क्या? यहां पर ड्यूअल नेचर किस लिए यूज किया गया है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है, इनका वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। तो यहां पर हम रेडिएशन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले वेव नेचर आया या पहले पार्टिकल नेचर आया? ज्यादातर हम में से लोगों को लगता है कि वेव नेचर पहले आया, बट ऐसा नहीं है, पहले पार्टिकल नेचर आया। अगर आपको फिजिक्स में न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी याद हो तो आपने पढ़ा होगा, लाइट एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को न्यूटन ने न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले लाइट को एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल यानी कि कॉर्पस थ्योरी के नाम से बताया गया, न्यूटन ने बताया। और न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। आई रिपीट, न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। लेकिन न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी अनेबल थी एक्सप्लेन करने में कौन से टॉपिक? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी फेल हो गई। फिर इसीलिए मैक्सवेल की वेव थ्योरी आई। तो मैक्सवेल की वेव थ्योरी ने क्या किया? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को क्लियर किया, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। बट न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी के बाद ये जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी आई, ये भी फेल हो गई किस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में। उसके बाद प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई और प्लैंक क्वांटम थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया। तो सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई? न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी। आपको शॉर्ट में बस क्या याद रखना है? सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी आई जिसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में। इसके बाद मैक्सवेल की वेव थ्योरी आई और मैक्सवेल की वेव थ्योरी ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया, बट ये भी थ्योरी फेल हो गई
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थर्मियोनिक एमिशन जैसे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में, और इसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये फिनोमिनास भी एक्सप्लेन हुए। तो पहले पार्टिकल नेचर डिस्कस किया गया, फिर वेव नेचर आया मैक्सवेल का, और फिर पार्टिकल नेचर प्लैंक क्वांटम थ्योरी में आया। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख भी लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लिखते जाएंगे। द एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। किसी भी सोर्स से जो एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। ऐसे रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। These radiations do not require any medium for their propagation. Next point लिखेंगे, These radiation travel with the speed of light कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सबने ही पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे रेडिएशन को किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट एज वेल एज मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to the direction of propagation of wave। तो यहां तक पॉइंट नोट कर लेंगे आप। तो चार मेन पॉइंट है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। किसी सोर्स से एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। इन रेडिएंट एनर्जी जो रेडिएशंस हैं, इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है, दीज रेडिएशन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। और फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपना, दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, नाम में ये लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दीज रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ओके, अब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए आप एक फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ईएम रेडिएशन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, देखिए ये एक शॉर्ट तरीका है ईएम रेडिएशन को डिफाइन करने का। ओके, तो ये मैं मैग्नेटिक कंपोनेंट बना रहा हूं, तो ये है हमारा ईएम रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये ई बनाया हुआ है मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ब्लू वाले से, और ये ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है बी को मैग्नेटिक कंपोनेंट को, और ये हर टाइम पे एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो
तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर ये इनको जरा मैं बता दूं कि आखिर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। सपोज ये है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये है मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के हमेशा कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर मैं इस वाले का प्रोपागेशन दिखाऊं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का प्रोपागेशन ऐसे हुआ, तो इसी तरीके से मैग्नेटिक कंपोनेंट का प्रोपागेशन ऐसे होगा और आगे जाकर फिर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाला वेव नीचे की तरफ जाएगा तो ये मैग्नेटिक वाला पीछे की तरफ आएगा और ये हर बार एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। फिर ये ऐसे आगे जाएगा और ये इधर से आकर और फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव। एग्जाम टाइम में जब आपको बहुत कम टाइम मिले तो आप छोटा सा डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, अदरवाइज मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी बना देता हूं जिसमें वेव को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन किया गया है, वेव को बताया गया है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डायग्राम बनाया था, जो फिगर बनाया था, वो एक शॉर्ट डायग्राम था कम टाइम में बनाने के लिए। आप लोग भी स्कूल में जब आपके पास बहुत कम टाइम बचे तो वो वेक्टर साइन वाला बना दीजिएगा। एक्चुअल में उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मेन डायग्राम है, जो मेन फिगर है, वो ये है, वो यही है जो उसको समझा रही है और यहां से बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर। तो ये फिगर आपको नोट करना है। देखिए मैंने किया क्या है, एक एक्स एक्सिस बनाना है आपको, एक इस तरीके से वाई एक्सिस और एक इस तरीके से जेड एक्सिस। अब आप देखिए ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट है, और इसी तरीके से ब्लू वाला जो इसके परपेंडिकुलर में है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो ब्लू वाले को बोलेंगे मैग्नेटिक कंपोनेंट और ब्लैक वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, एंड दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव व्हिच ट्रैवल इन एक्स एक्सिस। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और लाइफ में चाहे जितना भी स्ट्रेस है, खुश रहने की आदत डालिए। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके, और आपके किसी भी टाइप के डाउट्स हो स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं अपना डाउट और मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ डे आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, आपको रिप्लाई करूं। ओके, थैंक यू।